आइए बेटे स्टार्ट करें। मन मन भागता है बातें करने के लिए, है ना। आइए देखें, काम भी कर लें थोड़ा। 18th हो गई है आज, देखो आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। आइए देखें, सब करेंगे सब करेंगे। पहले दो न्यूमेरिकल कर लें, दो तीन कर लें, छोटे छोटे हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 बेटा, देखो मैं कहता ही रह जाता हूँ, पीरियड कम है, टाइम थोड़ा है, आप बात मानते नहीं है, ऐसे फिर काम खराब हो जाएगा। 16th प्रॉब्लम है हमारा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। आपको एक -2.0 डायोप्टर पावर वाला लेंस दिया गया है। यू आर टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस एंड वट इज द टाइप ऑफ दिस लेंस। ये भी आपको बताना है कि लेंस का टाइप कौन सा है। तो लेंस कॉम्बिनेशन आपने किया नहीं? नहीं तो पावर ऑफ द लेंस के बिना तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। पकड़िए पाओ, कोई बात नहीं, रुको 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 रुको, कोई बात नहीं बेटा। आई विल डिवोट 1 or 2 more minutes अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। आपने पावर ऑफ लेंस कैपिटल पी आपने डिनोट किया होगा कैपिटल पी से। पावर ऑफ लेंस बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट ऑन इट। डेफिनेशन की अगर बात करें तो जो पावर ऑफ लेंस है बेटा, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। इंसिडेंट ऑन इक्विटी। और बच्चों मैथमेटिकली जो पावर है इट इज विद इन रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है, आपको ये ऑलरेडी पता ही है। अगर फोकल लेंथ मीटर्स में आपको दिया गया है, इफ एफ इज इन मीटर्स तो पावर आपके पास आ जाएगा 1/f डायोप्टर। और अगर आपका जो फोकल लेंथ एफ है इट इज इन सेंटीमीटर्स, देन पावर आ जाएगा जी 100/f डायोप्टर्स। तो ये दोनों रिलेशनशिप का आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली आपको मैनेज भी करना है। अच्छा ये बताइए कि कॉम्बिनेशन की पावर और फोकल लेंथ आपने निकाल ली हुई कि रहती है? बड़ा काम तो फिर आपने कर लिया हुआ है ना। चलिए चलें आगे। फिर आप खुशी कुछ कहना चाहते हो बेटा? हाँ डेफिनेशन में दोबारा बोल देता हूँ बेटा। पावर ऑफ लेंस जो है बेटा, ये किसी भी लेंस की अबिलिटी है कि वो इंसिडेंट रेज को कितना कन्वर्ज कर देगा अगर वो कन्वर्जिंग लेंस है, और कितना डाइवर्ज कर देगा अगर वो डाइवर्जिंग लेंस है। जितनी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ज्यादा होगी उतनी लेंस की पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक। तो इन दिस वे आप अपने लेंसेज के साथ रिलेटेड पावर वाले कंसेप्ट को समझ सकते हो। एक एडिशनल पॉइंट और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लेंस कॉम्बिनेशन जैसे आपने बताया है कि आप कर चुके हो, लेंस कॉम्बिनेशन में एक बात देख लीजिए, अगर आपने कर ली हुई है तो गुड एंड वेल, नहीं तो अब देख लो। आपके अगर 2 या more lenses आप इन कांटेक्ट विद ईच अदर प्लेस कर दो तो
मान लीजिए पहले लेंस ने आपको मैग्नीफाइंग पावर 2 दे दी, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली डबल साइज का हो गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय द मैग्नीफिकेशन। और दूसरे वाले लेंस ने मैग्नीफिकेशन आपको 3 की दे दी, मतलब उस पे जो आपने ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा, इमेज उसने 3 टाइम्स बड़ा करके दिखा दिया। अब हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट था, पहले लेंस ने उसको डबल साइज का कर दिया, उसका इमेज कुछ बनेगा पहले लेंस में, और वो इमेज दूसरे लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर जाएगा, और फाइनल इमेज जो होगा वो उसको 3 गुना करके आपको मैग्नीफाई करके दे देगा। इन द नटशेल जो मैग्नीफिकेशन है बेटा, ये आपकी, दीक्षा अपना माइक बंद करो बेटा, मैग्नीफिकेशन आपकी बेटा 6 की हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर्स मल्टीप्लाई हो जाया करती है। सो आई जस्ट मीन टू से दैट ये एक लेंस है आपका, ये एक और लेंस है आपका। कॉम्बिनेशन की जब आप बात करते हो, इसकी मैग्नीफिकेशन M1, इसकी M2, एंड बेटा डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर लेंस कॉम्बिनेशन। इसकी मैग्नीफिकेशन अगर एम के बराबर है, दीक्षा माइक बंद करिए अपना, एम विल बी इक्वल टू M1 इंटू M2, तो आपको रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन इनके प्रोडक्ट के बराबर मिल जाएगी। राइट जी, चले आगे। अब न्यूमेरिकल नंबर 16 हमने लिखा था। यस बेटे, 16। बैठिए, वेरी नाइस। आपका पावर दिया हुआ है, आपको फोकल लेंथ निकालना है। लेट अस कैलकुलेट इट बेटा। फोकल लेंथ आपकी 1/पावर मीटर्स में आ जाएगी, एंड इट विल बी 1/-2 सो मेनी मीटर। कितना होता है 1/2 बेटा? बिल्कुल ठीक, -0.5 मीटर आ गया। और बच्चों सेंटीमीटर में कितना हो गया? ये सेंटीमीटर में कितना हो गया? घबरा रहे, देखो -50 सेंटीमीटर। राइट। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? खुशी। व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स? इट इज कंकेव। कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो आपका कंकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस हैज गॉट पॉजिटिव पावर। आप अपना एक बार चेक करिएगा जब आपने लिखा था फोकल लेंस के बारे में। सो आपका नेचर ऑफ द लेंस जो है बेटा, इट इज कंकेव। राइट, समझ आ गया सारे बच्चों को? चलिए आगे चलें। देन इसके बाद रब कर दूं इसको बेटा। दीक्षा अपना माइक बंद करो, यही प्रॉब्लम है ना, समस्या ये है बेटे, लगा के सो जाते हैं और कहते हैं कि सर बोलते हैं बोलते जाएं, हमें क्या, इनका तो काम ही बोलना है ना। हाँ जी, यस, ओके बेटा, ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल लेंस का और मिरर का दोनों का बेटा, प्रॉब्लम नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 10 ऑफ यूर एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेटा, मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं। एन ऑब्जेक्ट
5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ का मतलब क्या है, एच वन आपको दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट इज एच वन, राइट, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। आपको यू दे दिया 25 सेंटीमीटर, लेंस बच्चों कन्वर्जिंग आपको दिया हुआ है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कंकेव के कन्वेक्स, कन्वेक्स होना चाहिए, कंकेव नहीं होना चाहिए, राइट। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कन्वेक्स, डाइवर्जिंग का मतलब होता है ओके। अब ध्यान दीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं साइन नहीं डाल रहा है साथ में, आपसे पूछूंगा कि कौन कौन सा साइन डालना है, राइट। ड्रॉ द रे डायग्राम, ये छोड़ दीजिए, एंड फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर। आपको पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज का मतलब है, पोजीशन विल इंडिकेट वी, साइज ऑफ द इमेज मतलब एच टू, और नेचर का मतलब है कि रियल, नहीं नहीं रियल है कि वर्चुअल है कि क्या है वो बताना पड़ेगा। यू को क्या लें, पॉजिटिव के नेगेटिव, क्यों साइन कन्वेंशन कहती हैं, हम अपनी तरफ से थोड़ी करेंगे, राइट। फोकल लेंथ पक्की बात है, सच में ओके, पॉजिटिव हो गया जी। अब जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, आपको याद होगा मिरर के साथ रिलेटेड हमने एक दो प्रॉब्लम किए थे ना पहले। यहाँ पे लेंस है आपका, आपने लेंस के फॉर्मूला को तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वो अकेली लेफ्ट साइड तक आप मैनेज नहीं कर लेते, पहले वैल्यूज पुट नहीं कर दे। आई मीन टू से दैट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। कई बार हम फटाफट वैल्यूज पुट करके चल भाई सॉल्व करते फटाफट, ऐसे नहीं करना। आपको जो चीज निकालनी है पहले उसको मैनेज करिए, इसमें ही सॉल्व करिए। दैट इज 1/v 1/f प्लस 1/u कर सकते हैं, और ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे कर सकते हैं, और फिर देखो ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे पहले नहीं करेंगे, राइट। तो आइए देखें वैल्यूज पुट करके, एफ कितना था 10, एंड यू कितना है ओके, एंड देन आपका एफ कितना है, एंड इट इज माइनस 25, राइट। कुछ लिख ले पुत्र, आपको ही कह रहा हूं मैं, पेपर में अल्टीमेटली लिखना ही पड़ेगा। वी विल बी 50/3। हाँ जी ठीक है, जो आपका आ गया बेटे बहुत अच्छी बात है। माइनस 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई माइनस 15, चेक करिएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 5 3s are 15, 5 5s are yes, नहीं 25, 50/3 सेंटीमीटर आ गया, ये 16 point something आ जाएगा, आप देख लेना जो भी आएगा, आप पॉइंट्स में कर सकती हो, मेरा ये कहने का मतलब है। अब जब ये आपका निकल जाता है, इसके बाद आपको एच टू निकालना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है। आइए देखें साइज के लिए, चंक बेटा ये नाम नहीं आपका, चलो कोई बात नहीं, बच्चे अपने ही हैं, पता चलना चाहिए ना। एम इज इक्वल टू बी बाई यू, और बेटा एम इज आल्सो इक्वल टू एच टू बाई एच वन। बैठिए, बहुत बढ़िया जी, इनको कंपेयर कर दीजिए,
एच टू बाई एच वन बी अपॉन यू आ गया एंड एच टू कितना आ गया वी बाई यू इन टू एच. अब वैल्यूज पुट करनी है, पहले नहीं करनी, करेंगे अब आप? करिए फटाफट करिए. और इट विल बी यू कितना था सर? माइनस 10/3. हाँ जी माइनस 10/3. माइनस 10/3. हाँ हाँ ठीक है. तो माइनस 10/3 फिर आपका एच वन से छोटा हुआ कि बड़ा? छोटा हो गया ना, साइज छोटा हो गया. और ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा आपको? ये यस डाउन नीचे की तरफ है. हाँ जी बिल्कुल जी. अरमान आप बोल रहे हो ना? हाँ जी. हाँ जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिल्कुल. सो आप अच्छा एक बात और बताइए, अपने सोच के बताना, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा है, फोकल लेंथ आपके सामने है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है, इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन एफ एंड 2f और बियॉन्ड 2f? सोच के बोलिए एक बार. बियॉन्ड 2f. बियॉन्ड 2f. और माँ वो लड़की कहती नहीं बियॉन्ड आना चाहिए जी, ये तो बड़ी समस्या हो गई. अब बताइए देविका, बिटवीन एफ एंड 2f आएगा, बियॉन्ड नहीं आएगा राइट? बेटे मैंने आपको गलत कहा थोड़ी है, आपको ऐसे देखो, मैंने बाकी बच्चों को भी साथ लेना है ना, है ना? आप ठीक कह रहे हैं, वेरी नाइस, थम्स अप फॉर यू राइट. चलिए आगे चले देन. वैसे यहां से भी अंदाजा हो जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ के डबल से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, तो इमेज आपका ऑटोमेटिकली f और 2f के मिडिल में रह जाए राइट. समझ आ गया सबको? हाँ जी. एच वन दिया हुआ है, एच टू निकाला है. ये एच वन की वैल्यू डाल दी ना यहाँ पे, एच टू निकालने के लिए एम निकालना था तो एम निकाल दो, एच टू बाई एच वन कर लो. उन्होंने आई थिंक इमेज का साइज भी कुछ लिखा था पढ़ना, तो कोई बात नहीं बेटे, एक मिनट शांत रहिएगा. टेंथ प्रॉब्लम था बेटा, आपको दिया हुआ है उन्होंने टेंथ क्वेश्चन में साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म एम निकालने को कहा है उन्होंने. तो आप एच टू, चलो आपने एडिशनल निकाल ही लिया तो कोई बुरी बात भी नहीं है, एम आप एच टू बाई एच वन करके निकाल दो या बी बाई यू आपके पास है ही है कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसी छोटी चीज से घबराया मत करो आप राइट. चले आगे. अब कौन कह रहा है ये तो आ गया समझ आपको, बहुत अच्छे से गुड. देन 11, प्रॉब्लम नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ध्यान दीजिएगा. एक कनकेव लेंस, पहले लेंस का नाम लिखेंगे कौन सा दिया गया है. कनकेव लेंस आपको दे रखा है, एक कनकेव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसका 15 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव? नेगेटिव. बहुत बढ़िया. फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस,
इमेज इसने कंकेव लेंस ने 10 सेंटीमीटर पे बनाया, पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव? क्यों? कंकेव मिरर नहीं लेंस है। नेगेटिव सर। नेगेटिव क्यों? मैं रीजन पूछ रहा हूँ। क्योंकि सर ये मिरर की दूसरी साइड और नीचे बनती है। दोबारा बोलिएगा। ये नीचे बनती है लेंस के बेटे, नीचे इसकी डायरेक्शन उसी साइड पे बनती है, वर्चुअल बनती है, नीचे नहीं होती। सॉरी सर। लेंगे डेफिनेटली, बट नॉट बिकॉज की वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती है, बनती है अब भी है, लेकिन बनती सेम साइड पे है। आप चेक कर सकते हैं रे डायग्राम अपनी जो आपने बनाई हुई है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस? आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों निकालने को कहा गया है, U निकालने को कहा गया है। बड़ा ही आसान काम, और ध्यान से देखिएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ 1 बाई यू है, और 1 बाई यू आपका v इंटू एफ इंटू एफ माइनस वी है, एंड u आपका v इंटू एफ अपॉन एफ माइनस वी है। अब वैल्यू पुट कर देनी, तो u आपके पास आ गया, f v कितना था माइनस 10 और ये है माइनस 15, और f कितना था माइनस 15 और v कितना था माइनस 10, तो u बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया जी, 10 इंटू 15 30। हाँ जी 30 माइनस 30 नॉट 30 राइट। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर देता है? सेम साइड पे है। ओके चलें आगे बच्चों, कोई मुश्किल तो नहीं लग रही बात? सीधी सीधी बातें हैं, फिजिक्स बहुत आपको लगने लग गई आसान, दैट्स वेरी गुड। अच्छा एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिएगा बेटे, साथ ही देख लो, बड़ा सिंपल सा ही है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज प्लस 1। मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर ने प्लस 1 की आपको दी है 13। व्हाट डज इट मीन? सेम साइज, इसका मतलब है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का साइज है, बट अनलकीली अब ये मिरर आपके सिलेबस में उन्होंने काट दिया है, हमने कर लिया है, अच्छी बात है, सिलेबस चेक करते रहा करो टाइम टू टाइम। तो राइट बेटा, वैसे तो कुछ नहीं इसमें, मिरर में छोटा सा मिरर है। चलें आगे बेटा। यस बेटा, डियर चिल्ड्रन। यस सर। ओके जी ओके, आइए चलते हैं आगे, चलना ही जिंदगी है। प्रॉब्लम नंबर 12 हो गया था कि रह गया था? 12। चलिए ऐसे करते हैं, 12 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 14 हो गया कि रहता है? देखिए क्या है ये, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ का मतलब है h1 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं राइट। इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, जो चीज आपको दे रखी है दैट इज बच्चों कन्वेक्स मिरर, ये जरूर लिख लेना, नहीं तो गलती के चांसेस हो जाते हैं। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज।
इमेज की ना सिर्फ पोजीशन बल्कि उसका नेचर एंड साइज भी आपको बताना है। इसको पहले देखना पड़ेगा फोकल लेंथ कितना आएगा, 15 पॉजिटिव के नेगेटिव पक्का पॉजिटिव, तो आपका फोकल लेंथ आ गया जी 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। आप तो बी में इंटरेस्टेड हैं, है ना बेटा, मिरर फार्मूला याद है आपको, उठ जाइए फिर। द्वारा बोलो, फिर बोलो, 1/v + 1/u। एक मिनट द्वारा बोलिए, पूरा बोलिए। अब ठीक हो गया ना, याद में रहेगा अब। 1/v + 1/u बेटे, इसीलिए बेटा, डियर चिल्ड्रन, गुड़िया लास, इसीलिए मैं कह रहा था ये चीज आपको लिखना सेपरेटली बहुत जरूरी है। मिरर और लेंस में एक साइन का ही फर्क है, लेकिन रिजल्ट सारा डिफरेंट हो जाएगा आपको, राइट। आपको वी चाहिए था 1/f - 1/u एंड f × u, u - f एंड ये चीज बन गई जी। तो वैल्यूज पुट कर दो फटाफट सारे बच्चे, वी निकाल दो क्विकली, चेक आउट व्हाट वी इज टर्निंग आउट टू बी। सुस्त नहीं पढ़ना, 60/ बेटे आंसर मैच करो, 60/7 सेंटीमीटर, सबका ही आ रहा है। और इमेज का साइज भी निकालिए, h2 निकालिए, h2/h1 इज इक्वल टू -v/u होता है बच्चों, है ना, ऑल राइट कि नहीं। ये तूने कितना बना फिर, ठीक है पॉइंट्स में कर दिया। हाँ जी बेटे, कितना माइनस के प्लस, प्लस के माइनस, कन्वेक्स मिरर है सर, 15/7 प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, पक्का, यस सर, ओके गुड। क्या हुआ, 2 मिनट में तो बेटे दुनिया बदल जाती है। H2 is equal to minus B कितना था 60/7, U कितना था -20, H1 कितना था 5, 15/7, सेंटीमीटर छोटा बन गया, राइट। चलिए आगे चलें, नाइन्थ वाला, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। बड़ा आसान है, ये कन्वेक्स लेंस है, ध्यान दीजिएगा बेटा। सर हमने इसकी नेचर बताई नहीं, नेचर बता दो, इसमें क्या बताना, इट इज कन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है बताइए सोच के। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, will this lens produce the complete image of the object, verify your answer experimentally, explain your observations, any suggestions from your side,
नो, ये वाला पार्ट उन्होंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, राइट? कर दिया ना। ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, ये रे जा रही है, चली गई, ये भी गई, ये कहीं मिल जाएंगी, इमेज बन जाएगा। अगर इसको इधर भी शिफ्ट कर दें तो वो भी बनेगा। तो सुनिए ध्यान से, इमेज विल डेफिनेटली बी फॉर्म, लेकिन ब्राइटनेस उसकी हाफ रह जाएगी, क्योंकि आप हाफ पार्ट कवर कर रहे हो। ब्राइटनेस कह लो या इंटेंसिटी कह लो, इंटेंसिटी इज द टर्म रिलेटेड टू द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सच। सो एज वन हाफ ऑफ द अपर्चर ऑफ द लेंस इज बीइंग कवर्ड विद द ब्लैक पेपर एंड दैट डजंट अलाउ द रेज ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, एंड ऑन अकाउंट ऑफ दैट बेटा इमेज विल डेफिनेटली बी फॉर्म, बट एट द सेम टाइम इट विल बी लेस इंटेंस, इट विल बी नॉट सो ब्राइट एज वी एक्सपेक्ट इन द नॉर्मल सिचुएशन, राइट? थैंक यू ऑल।